यहां देखें आप, आज सुषमा सागर म्यूजिक बलीपुर सिकंदरा प्रयागराज संचालक बटोरिया बाबा, जिनको हम मनमानी श्री महादेव पटेल जी के नाम से जानते थे, आप बड़े सुंदर कलाकार, सदाबहार कलाकार थे, लेकिन आज लेखनी का काम करते हैं और आप के स्टूडियो में हम आए हैं। अरुण कुमार निराला पार्टी के साथ एक गीत दे रहे हैं, आशा नहीं विश्वास है आप लोग को अच्छा जरूर लगेगा। बाबूजी कहना है कि आज बड़ा दुख होता है जब कहीं सुनने को मिलता है कि कोई बेटा अपने माँ और पिता को सता रहा है, धक्का मार कर भगा रहा है, और कोई शिष्य अपने गुरु का अपमान कर रहा है। बाबूजी ये गलत बात है। जो माँ पिता जन्म दिया, 9 माह माँ पेट में लिया, आज बुढ़ाई में आपकी जरूरत है तो तुम ठोकर मार कर भगा दे रहे हो। अरे वो गुरु आपको क्या नहीं दिया, लेकिन आज गुरु का अपमान कर रहे हो। ऐसे ऐसे बहुत से बेटे हैं और बहुत से ऐसे शिष्य हैं। बाबूजी ये गीत मैं उन्हीं लोगों के लिए भेज रहा हूँ कि अब भी सुधर जाओ, और नहीं तो तुमको नरक में भी जगह नहीं। कहना है दर्ज है माँ, हाथ में मेहंदी, अरे हाथ में मेहंदी, मांग सिंदूर बर पादा का जरवा, हो गैला हो बर पादा का से अपने कहा था इन्हें कि बहनी हमार जवानी माटी होई गई। अरे कहन का भा दीदी, वही बतावा था कि हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर पर बादा का जरवा ओ गैला, अरे बारी बलमा पर देशवा में छाए करवट में सब भवान हो गैला हो करवट में जी। लेकिन कवि की लेखनी है और कहना है क्या कि माता पिता के जे, अरे माता पिता के जे निंदा करी वो कभी नहीं सुख पाएगा, हो वो कभी नहीं सुख। से बढ़कर है, जो बेटा माँ पिता या गुरु का अपमान कर दिया तो उसको नरक में भी जगह नहीं है। कहना है बाबूजी कि माता पिता के जे निंदा करी वो कभी नहीं सुख पाएगा, अरे कुकुरा न भटक कहीं जैसे रोटी बिना
कुकुरना भटक जैसे रोटी बिना वैसे दरा दरा ठोकरा खाएगा वैसे दरा दरा समझ में नहीं आया है बाबूजी तो आगे ना मालूम क्या क्या बनोगे और तुम्हारी क्या गति होगी, क्या बनोगे। कवि की लेखनी है, कहते क्या है कि गदही सियार लोखरी बन ब्या कोढ़ी पन झटका खाएगा। अरे नर्दवा के किरवा बन जा ब्या जब नहीं समझ में आएगा जब नहीं हमारा बताता है। इसीलिए कहा गया है कि गलत पर चलने वाले का सदा मुंह काला रहता है, सत पर चलने वाले का सदा बोल बाला। अरे किया जो जैसी करनी का फल वैसे ही पाएगा, छोड़कर सब यही माया अकेला एक दिन जाएगा। बाबूजी इतने से मुक्ति नहीं पाएगा, अब भी वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो तुम दर दर भटकोगे कहीं जगह। अंतरे के भाव में कहना कि बन करके सुअर मैला खा ब्या, अरे फिर भी ना मुक्ति पाए। अरे बन करके सुअर मैला खा ब्या तब भी ना मुक्ति पाएगा। अरे लख चौरासी में घूमेगा भला, लख चौरासी में भटकेगा, हिजड़ा बन ताली बजाएगा, हिजड़ा बन सुधर जाओ। माता पिता की सेवा करो, गुरु जो होता है वही भगवान है। अगर गुरु की सेवा करो तो कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो तुम्हारे ऊपर नहीं खुश है, नहीं तो ना मालूम क्या और बनोगे। कवि की लेखनी है कि आगे और भटकोगे क्या, कि मेढक बन टर टर कर ब्या, सांप तुझे खा जाएगा। अरे केचुआ बन माटी तरे रहा ब्या, केचुआ बन माटी तरे रहा ब्या, मछरवारा पकड़ ले जाएगा, मछरवारा पकड़ ले। श्री भाव में कहना है बाबूजी, आवाज आती है आज हमारे
गुरु जी और लेखक जी इस दुनिया में नहीं है। वहां से आवाज आती है कि ये मेरे शिष्य दुनिया को बता रहे हो, लेकिन तुम भी याद रखना। कहना है आखिरी भाव में क्या, कि स्वर्गीय कवि आशा राम दुलार कहे अरुण कुमार तू भूलिया ना। स्वर्गीय कवि आशा राम दुलार कहे अरुण कुमार तू भूलिया ना। गुरु माता पिता के चरणों में, गुरु माता पिता के चरणों में।